आज स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई थी, सबने जश्न मनाया, हाथ में तिरंगा, घर घर तिरंगा का प्रधानमंत्री ने नारा दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रोलिंग आरएसएस की हुई। लोगों ने सवाल पूछा कि जिस संगठन ने 50 सालों तक तिरंगा को नहीं अपनाया, वो आज घर घर तिरंगे की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के लाल किले की भाषण का पूरा पोस्टमार्टम दिखाऊंगा, पूरी ट्रोलिंग हुई। उन्होंने बुद्ध की भी चर्चा की, कहा कि हम बुद्ध के देश से आए। उन्होंने कहा कि हम 2000 युवाओं को, ऐसे युवाओं को राजनीति में लाएंगे जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। मतलब परिवारवाद पर उन्होंने बोला, लेकिन जातिवाद पर उन्होंने आज भी नहीं बोला, भ्रष्टाचार पर नहीं बोला उन्होंने, और हिंदू मुस्लिम की राजनीति फिर से उन्होंने की। लेकिन सबसे तो लोग पूछ रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं कि अगर आप 2000 युवाओं को राजनीति में लाना चाहते हैं तो 1000 जज भी बनाइए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, और इसके लिए कोलेजियम सिस्टम खत्म कीजिए। ये बड़ी खबर है, इस पर ही बात करूंगा। लेकिन जिस तरह से पूरे देश से, खासकर बिहार के जो दो घटना है, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बच्ची के साथ जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आती थी, उनके साथ जिस तरह का विभत्स घटना हुई है, उसके बाद आरोपी संजय यादव अब तक पकड़ा नहीं गया है। मधुबनी में आरोपी कमलेश यादव की अब तक जो घटना है, इसको लेकर लगातार मैं फिर कह रहा हूं, इस पर बताऊंगा, क्या संजय यादव और कमलेश यादव के पक्ष में कोई संगठन आया है, कोई उसके समाज के कोई मामला जातिवादी कब होता है, जब हाथरस की तरह पीड़ित के खिलाफ आरोपी के पक्ष में लोग पंचायत करने लगे। तेजस्वी यादव ने भी आज इस घटना की निंदा की है, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा बीत गया, हो सकता है खबर की इंटेंसिटी ना हो, लेकिन बीएसपी के तमाम नेता 17 अगस्त को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जो पीड़ित परिवार से मिलेंगे और सरैया तक, पारू की ये घटना है, पारू इलाके की, और सरैया तक इसका प्रोटेस्ट होगा। 20 अगस्त को पूरी बीएसपी पूरे बिहार में हर मुख्यालय पर अपना धरना प्रदर्शन करेगी। ये भी बड़ी खबर है। यूपी से भी एक दो विभत्स घटनाएं आई हैं, बिहार से विभत्स घटनाएं आई हैं, पश्चिम बंगाल, मैं फिर कह रहा हूं, राजनीतिक मोनोपोली किस तरह आपको बर्बाद कर देगी। ममता बनर्जी टेकन टू बी ग्रांटेड लेती हैं खुद को, और वहां सबसे ज्यादा जघन्य अपराध हुआ है। लेकिन सवाल है कि जब किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड समाज के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, किसान समाज के साथ इस तरह की घटनाएं होती है, तो राष्ट्रीय खबर क्यों नहीं बन पाती है, राष्ट्रीय इंटेंसिटी क्यों नहीं बन पाती है। लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद, और खासकर जिस मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ट्वीट कर देती हैं, तब वो राष्ट्रीय खबर बन जाती है। और अब बिहार के मुजफ्फरपुर हो या मधुबनी हो, उसको लेकर कोई भी आरोपी बचने वाला नहीं है। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इसको जातिवाद से नहीं देखा जा सकता कि अब तक किसी भी यादव समाज के किसी संगठन ने या किसी पार्टी ने आरोपी के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया है। तो आरोपी को तुरंत पकड़ा जाए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जातिवाद का मतलब होता है जब किसी आरोपी के पक्ष में उसकी जाति का, उसके जातीय संगठन का बयान आने लगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने काफी देर की है, ये एक बड़ी खबर है। चंद्रशेखर आजाद को किस तरह से धमकी दी जा रही है, ये भी बताऊंगा, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो प्रधानमंत्री की लगातार ट्रोलिंग हो रही है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर आज सबसे ज्यादा क्या क्या खबरें आपने देखी। कौन कहता है कानून सबके लिए बराबर होता है, रेप और कत्ल का गुनहगार पिछले 7 सालों में 13 बार पैरोल और फैरलो नाम पर 255 दिन की छुट्टियां मना चुका है, नाम गुरमीत राम रहीम, आसाराम को भी। और सोचिए, उत्तर प्रदेश मुजफ्फरपुर की तरह एक दरिंदगी की वारदात सामने आई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक और बेटी हुई हवस की शिकार। बिजनौर जिले के रेहड़ में आधी रात में युवती को घर से अगवा कर 5 दरिंदों ने गैंग रेप किया है। लड़की का परिवार बहुत गरीब है, घर के बाहर गेट नहीं लगा है, आरोपियों ने इसी का फायदा उठाया। तो मैं फिर कह रहा हूं, जब तक जातिवाद का मुकम्मल इलाज नहीं होगा, तब तक ये घटनाएं नहीं रुक सकती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जज क्या कहेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी का लाल किला भाषण, सालाना 2 करोड़ रोजगार इस पर नहीं बोले, 15 लाख सबके खाते में नहीं बोले, 100 दिन में विदेश से कालाधन नहीं बोले, पेट्रोल डीजल 35 रुपये लीटर नहीं बोले, 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी इस पर नहीं बोले हैं। तो विकास पर उन्होंने नहीं बोला है, उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द देश में जनप्रतिनिधियों के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवान को लाना चाहते हैं जिनका परिवार में किसी भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो। तो वो पॉलिटिकल रिफॉर्म की तो बात करते हैं कि राजनीति में परिवारवाद ना हो, लेकिन अरविंद कुमार कहते हैं साथ में यह भी जोड़िए कि 1000 जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बनाए जाएंगे जिनके बाप दादा चाचा मामा मौसी जज ना हो। ये सबसे बड़ा सवाल है कि कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि अब आतंकी हमले खत्म हुए हैं, लोग डेटा दे रहे हैं, पिछले 67 दिन में 17 आतंकी हमले हुए हैं, 18 जवान शहीद हुए हैं, 26 जवान घायल हुए हैं, 11 नागरिकों की मौत हुई और 50 से ज्यादा घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर पर प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं बोला है, तो ये सबसे बड़ी खबर है। और प्रधानमंत्री को लगातार सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल कर रहे हैं और वो तमाम सवाल पूछ रहे हैं। तो सोशल मीडिया में ये ताकत होती है कि आप बच के नहीं निकल सकते हैं और लोग लगातार इस पर सवाल पूछ रहे हैं। अब बात उस जघन्य और विभत्स घटना की, बिहार के मुजफ्फरपुर में जो दरिंदगी हुई है, मुजफ्फरपुर जिले के पारू इलाके में, उसको लेकर बीएसपी 17 अगस्त को एक बड़ा मैसिव विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। वो पीड़ित परिवार से पहले भी बीएसपी के नेता मिले हैं, फिर वो मिलने जा रहे हैं। इसी के बाद इस मामले को ध्यान दिया गया और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, लेकिन अब तक कहा जा रहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। संजय यादव नाम है आरोपी का। सवाल है कि ये मामला, हम लोग इसको जातिवाद से इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि अब तक संजय यादव के पक्ष में किसी भी संगठन या किसी भी नेता या किसी ने अब पक्ष में बयान नहीं दिया, हम लोग नजर बनाए हुए हैं। तेजस्वी यादव ने अब जाकर कहा है कि ये ठीक नहीं है। जैसे पश्चिम बंगाल में साफ हो गया था कि ममता बनर्जी की पुलिस आरोपियों को बचा रही थी, अगर नीतीश कुमार वहां सत्ता में है, बीजेपी सत्ता में है, उनकी क्या भूमिका है, ये संदिग्ध है। और आरोपी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं, कि आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं है। तो 17 अगस्त और 20 अगस्त को बीएसपी का मैसिव प्रोटेस्ट है बिहार के मुजफ्फरपुर वाली वारदात को लेकर, और ये जघन्य वारदात है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, जब तक सोशल मीडिया है तब तक इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाया जा रहा है। और ये तमाम बड़ी खबरें हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा से वंचित वर्ग की नाबालिग लड़कियों, कोलकाता में डॉक्टर एवं उत्तराखंड में नर्स के साथ हुई जघन्य दुष्कर्म की रूह कपकपाने वाली घटनाएं वारदात साबित होती है। तेजस्वी यादव ने बकायदा एनसीआरबी के आंकड़े दिए हैं कि 31,516 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए हैं 2022 में। तो इसको लेकर सूरज कुमार बौद्ध ने कहा है कि आपका ध्यान 5 दिन बाद खुला, और खुला तो कम से कम आरोपियों की भी जाति बताइए जब पीड़ित की जाति बता रहे हैं। और देखो बिहार की कानून व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है, 9वीं की छात्रा का रेप और हत्या, फिर भी मीडिया खामोश है। मुजफ्फरपुर का हैवान संजय यादव एवं उसके सभी साथी अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। संजय यादव ने वारदात को अंजाम देने से पहले बच्ची की माँ से कहा गई तुम्हारी बेटी, हम उसका रेप करेंगे। ये जानबूझकर किया गया अब वारदात है और इसमें फांसी होनी चाहिए मुकम्मल। ये सबसे बड़ी दुर्घटना है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ साफ ताकीद किया है कि कोई भी आरोपी बचना नहीं चाहिए। ये और बीएसपी बिहार में सड़क पर उतर रही है, ये बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूँ। सवर्ण के अनुसार यदि मुसलमान पहचान छुपाकर हिंदू लड़की से शादी कर ले तो यह लव जिहाद है। प्रधान बनने के लिए बनवा लिया SC ST जाति का फर्जी प्रमाण पत्र DM साहब को। जनरल वालों को 3,000 रुपये में बनाया OBC सर्टिफिकेट, फर्जी दस्तावेजों से बनाया अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्र। तो ये सवर्ण जिहाद है जो हजारों सालों से चल रहा है। इस जिहाद को न मीडिया दिखाता है, न कोई नेता इस पर गाल बजाता है। ये वीडियो उत्तराखंड का है जो आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है। और रिटायर्ड इंजीनियर के पास 10 फ्लैट, 1.5 किलो सोना, 2 लग्जरी कारें मिली। तारा चंद्र मिश्रा हैं, इनका नाम है। अयोध्या में पुलिस वालों ने मृतक जो शख्स मर गया था उसके खिलाफ ये FIR दर्ज कर लिया है। और यूपी में 2,2800 स्कूलों में लगभग बिजली ही नहीं है।
और एक दर्दनाक खबर दिखा रहा हूँ, ये बीबीयू की है, तस्वीरें हैं जो आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, भारी बारिश में जो बहुजन छात्र हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। निर्देश सिंह ने ट्वीट किया है, गांव से कितनी से मुश्किल से ये लोग पढ़ने आते हैं। विकास राज बीबीयू बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में लगातार हो रहे एससी बच्चों को सस्पेंड किया जा रहा है। बिना किसी वजह के सस्पेंशन वापस लेने के लिए दलित छात्र आज रात को लगभग 11 बजने और लगातार तेज बारिश में बैठे हुए हैं। ये सबसे दुखद खबर है। अभी भी कॉलेज और जो है वो जातिवाद का अड्डा बना हुआ है। ऋषिकेश उत्तराखंड में रविंद्र मिश्रा नाम के एक आरोपी ने 13 साल की बच्ची के साथ बर्बर गैंग रेप किया है। और हाल ही में बिहार में कमलेश यादव और उसके साथियों ने मधुबनी जिला के 18 वर्षीय एसी समाज की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया। उसके कुछ दिन बाद मुजफ्फरपुर जिले में संजय यादव और उसके साथियों ने 14 वर्षीय एसी समाज की बच्ची के साथ नृशंस हत्या कर दी बलात्कार करके। मुजफ्फरपुर वाली घटना तो सारी हदें पार करता है और उसके सारे अंग काट दिए गए। भारत में दलित होना सबसे बड़ा गुनाह बन गया। मनुवादी मीडिया बिहार के मामले में खामोश है, कारण वहां बीजेपी जेडीयू की सरकार है। पश्चिम बंगाल के मसले पर मीडिया उछल कूद रहा है, कारण वहां टीएमसी की सरकार है। दूसरी तरफ अगर अलग राजनीति पकाई जा रही है। बलात्कारी का सरनेम उछाल उछाल कर एक जाति की आड़ में राजनीतिक दल को टारगेट किया जा रहा है। सवाल है, क्या बलात्कारी की जाति वाले ने बलात्कारी के पक्ष में आंदोलन किया, उसके बचाव में पोस्ट लिखा? कुछ लोग ओबीसी एससी एकता को तोड़ने की कोशिश में रहते हैं। मधुबनी के बलात्कारी कमलेश यादव और उसके साथियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। मुजफ्फरपुर के बलात्कारी संजय यादव और उसके साथियों को भी फांसी से बड़ी कोई सजा होगी तो वो भी दी जाए, तभी संभव होगा जब मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। बिहार में जंगल राज है, नीतीश कुमार की सरकार को बर्खास्त कर मध्याविधि चुनाव कराया जाए। तो सोचिए कि बंगाल हो या बिहार हो, बिल्कुल किस तरह इस देश में एससी समाज के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें खड़ी होती हैं और सबसे ज्यादा प्रताड़ना का उनको शिकार कर होना पड़ता है। मैंने विश्वविद्यालय की नियुक्तियों में होने वाली धांधली और भ्रष्टाचार पर लेख लिखे हैं। 92 प्रोफेसर की नियुक्ति में 30 करोड़ रुपए की वसूली हुई है, इस तरह की अखबार रिपोर्ट कर रहा है। और बिहार की घटना ने सबको दहशत में डाल दिया है। आपको बात ईमानदारी के साथ, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई तेज गति से जारी रहेगी, ये सवाल है। लेकिन सवाल लोग पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अब तक कोई बीजेपी नेता पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है और प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को टीवी पर पाकिस्तान और भारत की लड़ाई की फिल्में क्यों दिखाते हैं? आजाद तो हम अंग्रेजों से हुए थे। ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है जो 15 अगस्त को लोगों के जेहन में आता है। तो आज की सारी बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और प्रधानमंत्री के लाल किले का 11वां ये झंडा तोलन था, लेकिन उनका ग्राफ तेजी से गिर रहा है। अगर प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो गई तो 5 किलो राशन वाले 80 करोड़ लोग कहाँ हैं? प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो गई है तो राशन कौन ले रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सीएम बनते वक्त शपथ ली थी भेदभाव नहीं करूंगा, थानाध्यक्ष की सूची जारी कर दिया। एक योगी आदित्यनाथ ने जिस यादव का नाम लिया था एक लखनऊ वाली घटना में, वो शख्स को जमानत मिल गई और वो कह रहा है कि मैं निर्दोष हूँ। और अयोध्या से 50 लाख की लाइट चोरी हो गई, इस तरह की खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, मैं डिटेल का वेट कर रहा हूं। और अंत में जाते जाते आपको बताएंगे, आज़ादी में जो जब देश आज़ाद हुआ तो देश बट गया, लेकिन एससी एसटी ओबीसी को उनका संवैधानिक अधिकार नहीं मिला। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आज की ये तमाम बड़ी खबरें थी, लेकिन जिस तरह से आज भी जब तक जातिवाद परिवारवाद पर हमला नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है। और जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा ये मुल्क बेहतर मुल्क और मजबूत मुल्क नहीं बन सकता है। मुजफ्फरपुर की दरिंदगी ने लोगों को झकझोर दिया है, लेकिन सवाल है कि जब कोई शोषित वंचित समाज पर कार्रवाई इस तरह की वारदात होती है तो वो राष्ट्रीय खबर क्यों नहीं बन पाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बीएसपी के तमाम नेता जो हैं वहाँ जा रहे हैं और पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। उन्होंने अपना क्लियर कर दिया है कि हम न्याय दिलाएंगे। चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार से बात की है। वहीं कोलकाता वाली वारदात को लेकर भी देश भर में लगातार डॉक्टरों का जो प्रदर्शन है वो चल रहा है।
लेकिन जब पीड़ित कोई SC ST हो, OBC हो, तो खबरें नहीं बन पाती है। लेकिन सोशल मीडिया आने के वजह से अब खबरें बन रही है, लेकिन आज़ादी के बाद भुला दिए गए हमारे दलित स्वतंत्रता सेनानी। प्रधानमंत्री से आज एक स्लिप ऑफ टंग भी हुआ, उन्होंने कहा कि 1857 के बाद बिरसा मुंडा की शहादत हुई, जबकि 1857 की क्रांति के बाद 1875 में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। हाँ, उससे पहले 1780 से 84 के बीच तिलका मांझी, उनको पहला स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है, सिद्धो कान्हो तिलका मांझी ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबाए थे। तो ये बात सच है कि तमाम SC ST OBC जो शोषित वंचित समाज के जो आंदोलन, जिन्होंने सबसे ज़्यादा शहादत दी, राजेंद्र प्रसाद सिंह की माने तो 10 लाख से ज़्यादा जिनको शूद्र और अछूत कहा जाता था, उन लोगों ने अंग्रेजों से लड़ने में अपनी शहादत दी थी, जो इतिहास में भी गुमनाम कर दिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।